हरा मूंग का उपटन 10 साल चेहरी की बुढ़ापे को घटा देगा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही असरदार और कमाल का नुस्खा जो आपके चेहरे की झुर्रियाँ, बारीक लकीरों को दूर कर देगा, चेहरे को बहुत ही स्वस्थ, चमकदार और गोरा बनाएगा। तो आइए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। लेकिन इसे दिखाने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज़ हमें चाहिए वो है हरा मूंग। तो आपको एक बड़ा चम्मच हरा मूंग लेना है, उसे आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर दीजिए। तो आपको इस तरह की पाउडर मिलेगी। अगर आपको कुदरती तरीके से जवान और खूबसूरत त्वचा पाना है तो हरा मूंग बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें जो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन 6 मौजूद है, ये आपकी स्किन की टेक्सचर को ठीक करता है, डिसकलरेशन को दूर करता है और चेहरे पर जो झुर्रियाँ या बारीक लकीरें हैं उसको भी ठीक करता है। तो इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है बादाम का तेल। तो इसमें मैं एक चम्मच बादाम का तेल डालूंगी जो कि स्वीट आलमंड ऑयल। झुर्रियों को दूर करने के लिए बादाम का जो तेल है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है एलोवेरा जेल। तो मैं एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल डालूंगी। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है कच्चा दूध। तो मैं 2 चम्मच के आसपास कच्चा दूध डालूंगी। दूध में प्रोटीन होता है तो ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। और आखिरी में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी ये ऑप्शनल है, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव या ड्राई है आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसमें मैं 1/4 नींबू का रस डालूंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिला दीजिए और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना दीजिए। तो इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से गुलाब जल से पोंछ दीजिए। उसके बाद आप ये पेस्ट लीजिए और एक थिक लेयर लगाइए इस तरह से। देखिए जिस तरह से मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ। तो लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए 20 से 30 मिनट के लिए या जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। तो जब ये पूरी तरह से सूख जाए आप इसे इस तरह से अपने हाथों को भिगोकर इस तरह से रब करके सर्कुलर मोशन में इस पैक को आप रिमूव कीजिए। तो 1 मिनट इस तरह से रब करने के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो दीजिए इस तरह। इससे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अगर झुर्रियाँ, फाइन लाइंस या एज स्पॉट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो इसे धोने के बाद आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को पोंछ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में बहुत अच्छा सा चमक आ गया है और मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। तो इस पैक को आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 दिनों तक और इसे आप रेगुलरली हफ्ते में 2 बार लगाइए। तो आप देखेंगे आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा यंग लगेगा। आपके चेहरे पे जितनी भी झुर्रियाँ, बारीक लकीरें हैं, एज स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे और चेहरा आपका बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग लगेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका रिजल्ट शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।